खबर नोएडा से है, जहां पर दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे किसान। रोकने की कोशिश पर चिल्ला बॉर्डर बंद करने की चेतावनी दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चूक यानी कि वहां पर पहुंच रहे हैं, और इसी के साथ ही किसान जो है वो दोपहर करीब 1 बजे महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्रित होंगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है, किसानों को दिल्ली जाने से अगर रोका गया तो चिल्ला बॉर्डर बंद करने की किसानों ने चेतावनी दी है। किसान चिल्ला बॉर्डर से ही दिल्ली जाएंगे। नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। तो किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया तो चिल्ला बॉर्डर बंद करने की चेतावनी किसानों की ओर से दी गई है। किसानों ने कहा है कि अगर उन्हें रोका गया तो वो कहीं ना कहीं चिल्ला बॉर्डर बंद कर देंगे। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जी। आपको बता दें कि जनपद में जो पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर है उसमें धारा 144 लागू कर दी गई है। सारे बॉर्डर सील किए गए हैं, भारी पुलिस बल सारे बॉर्डरों पर लगाया गया है। साथ ही साथ आम जन को किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए भी हम लोग यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, डीसीपी ट्रैफिक हमारे साथ में है, तो निश्चित रूप से जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है। साथ ही साथ किसानों से भी वार्ता हमारी कंटिन्यू जारी है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आकलन किया गया है, बॉर्डर 24 आवर्स सील किए गए हैं, तो किसी तरह कोई। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी, किन मांगों को लेकर ये किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं? देखिए, पुरानी मांगे हैं जो नोएडा में लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर किसान हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसको लेकर एनटीपीसी की कुछ मांगे हैं, कुछ प्राधिकरण से इनकी मांगे हैं, जिसमें तमाम इनके मुद्दे हैं जो प्लॉट को लेकर, इनके मुआवजे को लेकर तमाम इनकी मांगे हैं, इसी को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिसको लेकर अब जो है इनका सीधा कहना है कि हम दिल्ली कूच करेंगे, जंतर मंतर पर घेराव करेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर वहां पर बताएंगे। क्योंकि लगातार जो है यहां पर भी देखा जा रहा था कि जिले में सांसद का भी घेराव किया था, विधायक का भी घेराव किया, डीएम का घेराव किया और प्राधिकरण के दफ्तरों का लगातार घेराव किया, जिसको देखते हुए नोएडा जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की गई है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो किसान है भारी संख्या में लगभग 160 गांव जो है अब कूच की तरफ, दिल्ली की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। और जिसको लेकर एक जिला प्रशासन ने कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी करी गई है, जिसमें यातायात जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उनको समस्या ना हो। आज देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ जाम ही जाम है, हालांकि जो बॉर्डर है उनको बंद किया गया है, कुछ रस्ते जो है खोले गए हैं, जो भारी वाहन है प्रतिबंधित जो वाहन है उनको भी, उन पर भी रोक लगाई गई है। सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वाहन जो है उन पर रोक लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और पूरी तरह से किसानों को रोकने की कोशिश जो है पुलिस प्रशासन के लोग करेंगे। और जिसको लेकर ये जो है आज भारी संख्या में लगभग 1 बजे का इन लोगों ने समय दिया है कि 1 बजे जो है दिल्ली की तरफ जो है कूच करेंगे। जी, और निशांत जी, प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है कि क्या ये एक बारगी कूच कर रहे हैं, किससे पहले अपनी मांगों को लेकर इन्होंने सरकार को कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा है? अब से पहले तमाम ज्ञापन दिए गए, तमाम जो जिले में जो सांसद हैं, डीएम हैं और या फिर सीओ हैं, कई बार बैठक की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों के जो मुद्दे थे वो उन मुद्दों पर सही तरह से कोई भी जो है एक उसका पालन नहीं हो पाया, जिसको लेकर उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। और मांगे पूरी ना होने की वजह से जो है आज 160 गांव के, कल भी इन्होंने महापंचायत की थी, महापंचायत डीएम कार्यालय पे की थी और इन्होंने एक चेतावनी दी थी अगर जो हमारी बातें पूरी नहीं होती तो उसको लेकर हम दिल्ली संसद भवन जाएंगे या फिर उसके साथ साथ वहां पर घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है कि अब जो भारी संख्या में किसान जो है इकट्ठे होकर आज 1 बजे लगभग महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो और ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली के सभी बॉर्डरों को बंद किया गया है, पुलिस बल लगाया गया है कि किसी तरह से कोई जो यातायात को भी लेकर दिक्कत ना हो, तो एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि यातायात को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।